सर जो 52 से 51 के बीच में जो काफी समस्याएं आ रही थी, इसको देखते हुए नोएडा मेट्रो की तरफ से नोएडा अथॉरिटी को क्या प्रस्ताव गया और उस पर किस तरीके के कार्य अभी हो रहे हैं? देखिए, जो 51-52 की हमारी कनेक्टिविटी है, उसमें पहले से भी हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ई रिक्शाज रन कर रहे थे DMRC के सहयोग से। बाद में जो FOB का प्रपोजल यहाँ से गया था कि फुट ओवर ब्रिज होना चाहिए, जिसमें कि 51 और 52 की सीमलेस प्लेटफॉर्म कनेक्टिविटी हो जाए, इस प्रपोजल पर नोएडा अथॉरिटी ने टेंडर गठित करके फ्लोट किया है और अवार्ड भी कर दिया है। काम भी वहाँ पर मौके पर शुरू हो गया है। जो हमारा एग्जिस्टिंग वॉकवे था जहाँ पर ये FOB बन रहा है, चूँकि वो प्रभावित है अभी, तो हम लोगों ने जो वहाँ से ई रिक्शा अप्लाई हो रहे थे, एक ऑल्टरनेट अरेंजमेंट भी कर दिया है पब्लिक के लिए, ताकि उनको कोई असुविधा ना हो। बगल से जो एक लेन थी, उसमें ई रिक्शाज को अप्लाई करने के लिए हम लोगों ने बता दिया है और वो सर्विस दोबारा चालू भी हो गई है। उम्मीद है कि ये काम विद इन 6 months to 1 year कंप्लीट हो जाएगा और इस पर हम लोग बेटर कनेक्टिविटी दे पाएंगे। सर, इसके साथ साथ जो 142 से बॉटनिकल गार्डन को लिंक करने की बात नोएडा मेट्रो के द्वारा की जा रही है, तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? ये एक प्रपोज्ड हमारी लाइन है, जिसकी DPR DMRC के सहयोग से बनाई गई थी। उस DPR में कुछ संशोधन थे। उसका जो रूट अलाइनमेंट है, वो भी रेसिडेंट्स से बात करके उसको फाइनल किया गया है। कुछ रिविजन्स के बाद DPR अब फाइनल स्टेज पर है। अब आगे की उसकी कार्रवाई रहेगी, हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से फिर केंद्र में उसको भेजेंगे। तो अभी वो चूँकि अर्ली स्टेज में है, तो इट माइट टेक अराउंड 1 to 2 years टू प्रोसेस। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।